अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प और जागरूकता हथियार है। संस्था का दसवां कार्यक्रम 29 दिसंबर 2014, स्वर्गीय समिता जी का 40वां जन्म दिवस मनाया गया। ओरल कैंसर जांच शिविर। संस्था द्वारा आज के दिन को ओरल कैंसर जांच शिविर के रूप में मनाया गया। नई दिल्ली स्थित सागरपुर के नज़दीक रघुनगर बस स्टैंड के पास यूथ द पावर के प्रांगण में ओरल कैंसर की जांच आयोजित की गई, जिसमें लगभग 250 लोगों ने अपना ओरल चेकअप कराया। इस जांच के मौके पर बत्रा अस्पताल के चिकित्सकों ने डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी के प्रतिनिधित्व में लोगों का माउथ परीक्षण किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रद्युम्न राजपूत अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित थे। राजपूत ने कार्यक्रम की प्रशंसा की एवं संस्था के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार को धन्यवाद दिया। बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ आपको। इसी तरह से आप काम करते रहे। पूरे इलाका बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ जहाँ भी इस तरह के कैंप आप लगा सकते हैं लगाए। सागरपुर में भी आपने लगाना लगाओ। अभी पिछले 3 महीने में 4 महीने में 2 कैंप हमने भी लगाए। कल भी एक कैंप लगा था नगर वन के प्रांगण में, कैंसर का मेला, उसके अंदर मुझे जाने का मौका मिला। बहुत लोग हैं, तबीयत खराब होती है और साधन नहीं होते, नहीं दिखा पाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, सब कुछ है, जब तक कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उन्हें डॉक्टर की याद नहीं आती। और जब ऐसे कैंप लग रहे होते हैं, सोचते हैं चलो आए हैं तो दिखा लें, तो कम से कम पहले उनको पता लग जाता है कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो बीमारी बाद में पड़े उसका पहले ही पता लग जाए तो बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इससे बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती। दुखियों का दुख कम करना, जो दुखी है उनको मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना एक पुण्य का काम है। नर सेवा, नारायण सेवा, मैं ये कह सकता हूँ। आपका अपनी तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, यूथ द पावर फाउंडेशन, ये सब इनका क्या मकसद है, इनका मैसेज क्या है, ये क्या करना चाह रहे हैं? जैसे जैसे हम अपने बात को एक तकमील की तरफ पहुंचेंगे, हमें पता चल जाएगा कि भाई हम क्या करना चाहते थे। लगभग 25 लाख लोग अभी कैंसर से पीड़ित हैं हमारे देश में। ये उन्हीं लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने हॉस्पिटल में गए हैं, जिन्होंने इलाज करवाया। कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई मतलब, इसकी तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन किताबों में जो हमारा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से लगभग 25 लाख लोगों को कैंसर हमारे देश में हो गया है या कैंसर से पीड़ित हैं। कार्यक्रम में प्रारंभ से ही पूर्व सांसद महाबल मिश्र उपस्थित रहे एवं उन्होंने भी अध्यक्ष महोदय को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। मैं प्रफुल्ल जी को बहुत बधाई भी देता हूं। मुझे तो 3 बार जाने का मौका मिला है। प्रफुल्ल जी के रजौरी गार्डन में भी एक बार किए थे, वहां भी जाने का मौका मुझे मिला। मुझे कई जगह जाने का मौका मिला है, लेकिन इनका दृढ़ विश्वास जो है, मुझे लगता है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं, पूरे भारत में ये अपना स्थान ग्रहण करेगा, क्योंकि इनका विश्वास और जिस तरह से लगन है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो वास्तव में 5वां स्टेज 4वां स्टेज क्या स्टेज होता है मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन लास्ट स्टेज में कोई जानकारी मिलती है, पहले से तो वो नहीं है। लेकिन अवेयरनेस यदि डॉक्टर साहब के माध्यम से होता है, इस फाउंडेशन के माध्यम से होता है, तो अवेयरनेस से बीमारी कम होगी। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि भाई अवेयरनेस देना, जानकारी होना, ये डॉक्टर के माध्यम से होता है, आम आदमी को ये जानकारी नहीं मिलती है। और ये सुविधा फाउंडेशन जो एक काम कर रहा है, ये मेमोरियल ट्रस्ट सिर्फ ट्रस्ट नहीं है, ये जनहित में काम करने वाली ट्रस्ट है, जो जन उपयोगी काम कर रही है, जन संसाधन के लिए, जिसके पास पैसे नहीं है उसके अवेयरनेस देने का काम कर रही है। पैसे वाला तो अनेक दुकान
बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हुए वहां जाकर ले लेते हैं, लेकिन अवेयरनेस तो मैं समझता हूं ये सभी दुकान में और हॉस्पिटल में नहीं मिलते, ये तो सुनीता फाउंडेशन में ही मिलता है जो सबको जानकारी हासिल करा सकता है। इस उपलक्ष्य में यूथ द पावर के अध्यक्ष राजेश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च द्वारा आयोजित माउथ कैंसर जांच शिविर में पूर्ण योगदान दिया एवं FM रेनबो ने मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। आज समिता जी का जन्मदिन है और समिता राइट फ्रॉम द बिगनिंग कैंसर के प्रति बहुत जागरूक थी, तमाम लोगों को जो कुछ आज हम इस अवेयरनेस कैंप के माध्यम से कर रहे हैं वो व्यक्तिगत अप्रोच से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से या जिनसे भी मुलाकात होती थी उनको इस बात के लिए अवेयर करते थे कि किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का खान पान, किस प्रकार का लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सकें, और उसका जो कारण है वो है खान पान, लाइफस्टाइल, स्वच्छता, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, जो हम सब्जी खाते हैं, जिस तरह के चावल साग खाते हैं, रोटी खाते हैं। जो मानवता के आधार पर यदि आप किसी भी कैंसर मरीज की मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे संस्था के वेबसाइट www.cancerbhagao.org को लॉगिन करें और कैंसर पीड़ितों तक अपनी मदद को पहुंचाएं।